प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की मंशा के अनुसार प्रदेश भर के स्कूल अब हाईटेक होने जा रहे हैं, जिसके लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च भी कर रही है। इसके साथ ही प्रदेश भर में नए स्कूल भवन भी बन रहे हैं, मगर इन करोड़ों के विकास कार्यों पर ठेकेदार द्वारा पलीता लगाया जा रहा है। मामला रतलाम के विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सिमलापता का है, जहां 1.5 करोड़ से अधिक की लागत से स्कूल भवन का निर्माण चल रहा है, जिसमें ठेकेदार द्वारा घटिया सीमेंट का उपयोग किया जा रहा है, जिसके चलते अभी से बिल्डिंग का प्लास्टर जगह जगह से उखड़ने लगा है। छत से पानी का रिसाव होने लगा है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत भी क्षेत्रीय विधायक दिलीप मकवाना के साथ साथ संभागीय परियोजना अधिकारी से की, जिसके बाद निर्माण कार्य कर रही कंस्ट्रक्शन कंपनी के ठेकेदार अनिल पोरवाल को नोटिस जारी किया गया है। अब देखना है कि ग्रामीणों के लगाए गए इन गंभीर आरोप पर विभाग क्या कार्रवाई करता है।